आईफोन में इंटरनेट कैसे चलाया जी। दोस्तों अगर आपने जो है हाल ही में यानी कि कुछ दिन में अपना आईफोन परचेस किया है, आपने ख़रीदा है और उस पर आपको इंटरनेट चलाना है तो कैसे आप चला सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है अपने आईफोन में इंटरनेट कैसे चला सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कोई सिम होना चाहिए जिस पे इंटरनेट डाटा होना चाहिए, या फिर आप जो वाईफाई कनेक्शन करना चाहते हो तो वाईफाई कनेक्शन से भी आप जो है यहाँ पे इंटरनेट चला सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप जो है मोबाइल डाटा से इंटरनेट चलाना चाहते हो तो आपको जो है अपने आईफोन पे इस तरीके से साइट पे नीचे कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा, मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इस साइट से नीचे करोगे तो ये दूसरा ऑप्शन खुलेगा जो कि है नोटिफिकेशन का, लेकिन आपको जो है इस साइड से यहाँ से जहाँ पे आपका सिम नेटवर्क का जो टावर है वो बताता है कितना परसेंट है आपका आईफोन का चार्जिंग वो बताता है, वहीं से आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे करना है, उसके बाद इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल सेंटर का। अब यहाँ पे आपको जो है अगर अपने मोबाइल नेटवर्क से यानी कि मोबाइल डाटा से इंटरनेट चलाना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए, यही आपका जो है मोबाइल डाटा होता है इसी से आपका जो इंटरनेट डाटा है वो ऑन हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से इंटरनेट डाटा ऑन हो चुका है हमारा, ग्रीन है मतलब हमारा इंटरनेट डाटा ऑन है, अगर ये ऑफ है इस तरीके से तो इंटरनेट डाटा ऑफ है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट डाटा से आप कनेक्शन कर सकते हो इंटरनेट का, या फिर अगर आप जो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो वाईफाई के कनेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ये जो वाईफाई बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से बताया जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखोगे तो फिर से इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से आपको प्रेस करके रखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद वाईफाई सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्शन कर लेना है, जुड़ जाना है। उसके बाद अगर आप जो है वाईफाई कनेक्शन करके इंटरनेट चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो है दोस्तों मैं जो वाईफाई नेटवर्क से चला रहा हूँ, आप जो है अपना आईफोन का जो मोबाइल डाटा है उसको ऑन करके इंटरनेट चला सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑन करना है, चाहे आप मोबाइल डाटा से ऑन करो चाहे आप वाईफाई से इंटरनेट डाटा ऑन करो, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंटरनेट चलाने के लिए कोई एक ब्राउज़र चाहिए आपके आईफोन में। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है ब्राउज़र रहता है जिसका नाम है सफारी ब्राउज़र, तो आप जो है इंटरनेट चलाने के लिए सफारी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो अपने ऐप स्टोर पर जाके और भी ब्राउज़र जो रहते हैं उनको आप जो अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि और भी कौन कौन सा ब्राउज़र है वो मैं आपको बताता हूँ, गूगल का क्रोम ब्राउज़र है दोस्तों, फायरफॉक्स है और ओपेरा है और भी काफ़ी और ब्राउज़र है जिसको आप जो है इस्तेमाल करके इंटरनेट चला सकते हो अपने आईफोन पे। फिलहाल मैं जो है दोस्तों अपने आईफोन में सफारी ब्राउज़र से इंटरनेट चला के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है अपने आईफोन में सफारी ब्राउज़र देख लूँगा कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे मेरे आईफोन के ऐप में सफारी ब्राउज़र है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इस तरीके से सफारी लिख के, और यहाँ पे जैसे ही आप जो सफारी ब्राउज़र को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सफारी ब्राउज़र जब ओपन हो जाएगा तो आपको जो भी इंटरनेट पे चलाना है, आपको ब्राउजिंग करना है इंटरनेट से, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे को जो है नॉलेज लेना है बुक की रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं जो है गूगल पे चले जाऊँगा सफारी ब्राउज़र ओपन करने के बाद, और यहाँ पर मैं जो है बुक की रिकॉर्डिंग जो भी मेरे को नॉलेज चाहिए जैसे कि व्हाट इज़ बुक, ठीक है, व्हाट इज़ बुक, ठीक है, और सर्च कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को जो है बुक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया है, ए बुक इज़ ए मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल मिल गया, तो आप जो भी ब्राउजिंग करना चाहते हो, अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखना है या फिर आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो ब्राउज़र से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, और अपना इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। अब जो दोस्तों बस इसके लिए इंटरनेट चलाने के लिए बस आपको मोबाइल डाटा ऑन करना है या फिर इंटरनेट डाटा ऑन करना है, तभी आप इस तरीके से अपने आईफोन में इंटरनेट चला पाओगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।